सबसे ईमानदार नेता अगर कहीं के हैं तो हमारे बिहार के, और वो भी लालू प्रसाद यादव। आप कहोगे कैसे, उन्होंने जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे, यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। सर उनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। कम उम्र में ही बहुत बड़े बड़े मंच कर रही है, कई कविता लिख चुकी है और कई किताबें इनकी छप चुकी है। कमल अग्नि जी से निवेदन है कि कृपया कर मंच पर आए। पिछले दिनों चीते जब आए सम्राट बाबू तो मैंने चीते से भी पूछा, जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता है उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लग रहा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। तो चीते भी कमाल के हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आए देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। सर उत्तर प्रदेश का बीच चुनाव के बीच में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे जब तुम्हारे पास पहले से ही इक्का था। और मैं एक चीज आपको सच बता रहा हूँ, आप लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं एक चीज कहता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के हैं, मैं कवि होने के नाते कह सकता हूँ, सबसे ईमानदार नेता अगर कहीं के हैं तो हमारे बिहार के, और वो भी लालू प्रसाद यादव। आप कहोगे कैसे, उन्होंने जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे, यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। सर उनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। सही आदमी से सही काम लेना चाहिए। लेकिन मैं तो कभी आदमी सर कुछ कुछ बोल देते, चिंता मत करो, चार लाइन सुनना आनंद लेना, अटल जी का मंच है। और जैसा कि सम्राट जी ने कहा कि कभी उनको याद करेंगे, मैं चार लाइनें अपनी लाइनों में अटल जी को याद करता हूँ, कभी सम्मेलन शुरू करता हूँ। मैं तो शंभू शिखर हूँ, मेरे लिए भी एक बार ताली बजाइए, मैं चार लाइन सुनू कि माँ भारती को इतना दुलारा नहीं होगा, माँ भारती को इतना दुलारा नहीं होगा, दुनिया में कोई इतना भी प्यारा नहीं होगा। आएंगे कई नेता और आएंगे जाएंगे, पर देखना अटल सा दोबारा नहीं होगा, पर देखना अटल सा, कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे।